तीन चीजों के बारे में पढ़ेंगे, अबेकस, एक्सेस टाइम एंड एक्टिव सेल। जब भी अबेकस का नाम आए तो हम ये बताएंगे कि अबेकस सबसे पहली मैकेनिकल कैलकुलेटिंग डिवाइस थी, जो कि एक प्राचीन यंत्र थी। इसके बारे में हम अगले वीडियो में बड़ी ही ब्रीफली तरीके से पढ़ेंगे। अब आते हैं एक्सेस टाइम। एक्सेस टाइम क्या होता है? एक्सेस टाइम का मतलब होता है कि यूजर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम को कोई कमांड दिया गया। बच्चों, कोई कमांड दिया गया, जैसे कि यूजर द्वारा कंप्यूटर सिस्टम में क्या दिया गया, इनपुट दिया गया, और इनपुट देने के बाद क्या मिल गया, आउटपुट मिल गया। यानी कि इनपुट देने के बाद जो आउटपुट मिला, इस बीच में जो समय लेगा, इसी समय को हम क्या बोलते हैं दोस्तों, एक्सेस टाइम बोलते हैं। अब आते हैं एक्टिव सेल। एक्टिव सेल क्या होता है? हम पढ़ेंगे एक्सेल। जब भी एक्सेल का नाम आए तो एक्सेल का डेफिनेशन होता है, एक्सेल इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ रो एंड कॉलम, जो कि ऐसे होता है। जब भी आप एक्सेल की वर्कशीट खोलेंगे तो आपको एक्सेल ऐसे मिलेगा। अपर टू बॉटम जो आता है उसे रो बोलते हैं, एंड लेफ्ट टू जो राइट जाता है, लेफ्ट टू राइट जो जाता है उसे हम कॉलम बोलते हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। अभी हम बात कर रहे हैं एक्टिव सेल की। एक्टिव सेल का मतलब क्या है? हम माउस से किसी भी सेल में क्लिक करते हैं तो देखते हैं वहां पे पगडंडी, जिसे कर्सर बोला जाता है, वहां पे ब्लिंक करती है, और जो ही हम वहां पे क्लिक करते हैं वो एरिया उतने दूर का बोल्ड हो जाता है। इसी बोल्ड एरिया को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सेल बोलते हैं। बच्चों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप उसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली वीडियोस में हम देखेंगे कि इंफॉर्मेशन और डाटा क्या होता है, इंफॉर्मेशन और डाटा में क्या अंतर होता है, हम उसके बारे में जानेंगे।